तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी तक की अपनी वीडियोस में बताया कि प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है, रैम क्या होती है, कैसे काम करती है, तो वहां पे एक वर्ड जो कि बहुत बार आया था जिसका नाम था कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसकी एक इंपॉर्टेंस है जब भी आपको एक नया लैपटॉप खरीदते हैं, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो हाय गाइस, माय नेम इज तुषार, यू watching Tech Baji, so let's start. तो दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम को हमें चलाना है तो उस प्रोग्राम को चलाने का जो काम है वो करता है सीपीयू, और उसको उस प्रोग्राम को चलाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ डेटा की जरूरत पड़ती है, और वो जो डेटा है या वो जो इंस्ट्रक्शन है वो या तो उसको हार्ड डिस्क से मिलता है या फिर उसको रैम से मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सीपीयू है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो आपकी रैम और जो हार्ड डिस्क है वो बहुत स्लो होती है। तो इसमें होता ये है कि सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शन या डेटा लेने में काफी टाइम लग जाता है, जिससे आपकी कंप्यूटर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है, इसलिए आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में फिर कैश मेमोरी को बीच में आना पड़ता है, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है। तो दोस्तों, कैश मेमोरी करती ये है कि जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है या जिस डेटा को आप बार बार यूज कर रहे हैं, जिन इंस्ट्रक्शन को आप बार बार यूज कर रहे हैं, उनको अपने आप में स्टोर कर लेती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कैश मेमोरी की जो साइज होती है वो बहुत कम होती है। अगर जनरली मैं आपसे बोलूँ तो या तो 4 MB की होती है, 6 MB की, 8 MB की, या फिर अभी जो आने लग गई है 12 MB की, लेकिन इसकी साइज बहुत कम होती है। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा की जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है, वही सब डेटा और इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी अपने आप में स्टोर कर लेती है। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन आता है कि ये इतनी फास्ट क्यों होती है। दोस्तों, उसके रीजन ये है कि ये जो आपकी कैश मेमोरी होती है ये सीपीयू चिप के बहुत पास में लगी होती है, तो सीपीयू को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता डेटा फैच करने के लिए, तो सीपीयू जल्दी से डेटा फैच कर लेता है और एवरेज जो भी टाइम होता है, जो भी प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है, उसको रिड्यूस कर देता है, और इसलिए परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। और दोस्तों, ये जो कैश मेमोरी होती है ये आपकी रैम और हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये आपके सीपीयू को बहुत स्पीड अप कर देती है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देती है, और ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का भी काम करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कैश मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, आज के टाइम में हर किसी को अपने कंप्यूटर की फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और वो फास्ट परफॉर्मेंस तभी होती है जब आपका सीपीयू फास्ट परफॉर्म करता है। दोस्तों, यहां पर फिर आपकी कैश मेमोरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी सीपीयू की इफिशियंसी को बढ़ा देती है। और दोस्तों, एक और बात की जो कैश मेमोरी का जो डेटा होता है वो टेम्पररी होता है, इसका मतलब ये है कि जब वो डेटा किसी काम का नहीं रहता तो वो दूसरे डेटा से रिप्लेस हो जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हाउ कैश मेमोरी वर्क्स, कैश मेमोरी काम कैसे करती है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम रन करना है, तो आमतौर पर क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम होता है वो आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है, लेकिन सीपीयू सीधा हार्ड डिस्क से डेटा फेच कर नहीं सकता, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है। तो इस केस में क्या होता है, उस प्रोग्राम को रैम में लोड किया जाता है। अब रैम तो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होती है, लेकिन सीपीयू जितनी फास्ट नहीं होती। तो क्या होता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट सीपीयू करता है रैम से, तो उस डेटा को रैम से सीपीयू तक जाने में एक टाइम लग जाता है, और उस टाइम की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस होती है आपके सिस्टम की वो गिर जाती है। तो इसके लिए फिर कैश मेमोरी को बीच में आना पड़ता है। तो जो भी डेटा सीपीयू को फर्स्ट टाइम पे चाहिए होता है, कैश मेमोरी क्या करती है, उस डेटा को मेन मेमोरी से अपने में ले लेती है, और नेक्स्ट टाइम से जब सीपीयू को वही डेटा की जरूरत पड़ती है तो सीपीयू कैश मेमोरी से सीधा उस डेटा को फैच कर लेता है। दोस्तों, मैं अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में बैठे हैं और वहां पे एक टेबल पे बैठे कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं। अब आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं, आप बार बार जा रहे हैं शेल्फ से बुक लेके आ रहे हैं। अब उन बुक्स में मान लीजिए कोई डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको डिक्शनरी में सर्च करना है, तो आप गए, आप डिक्शनरी लेके आए और आपने वर्ड देखा, आपने डिक्शनरी वापस रख दी। फिर आपको एक दूसरा वर्ड मिला, आप वापस से सेक्शन में गए, डिक्शनरी लेके आए और आपने उसका वर्ड देखा और डिक्शनरी को रख दिया। तो बार बार आप क्या कर रहे हैं, आप सेक्शन में जा रहे हैं, डिक्शनरी लेके आ रहे हैं, वहां से डेटा देख रहे हैं और फिर डिक्शनरी को रख दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप उस डिक्शनरी को उस टेबल के ड्रॉअर में रख दीजिए अपने पास। तो जब भी आपको उस वर्ड का किसी को मतलब नहीं समझ में आता, तो आप वो डिक्शनरी को निकाल सकते हैं और वहां पे आप उसका मीनिंग देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पे जो आपकी ड्रॉअर है वो है आपकी कैश मेमोरी। दोस्तों, अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के कितने लेवल्स हैं और कैसे काम करते हैं वो। तो दोस्तों, कैश मेमोरी के 3 डिफरेंट लेवल होते हैं, जिनको हम क्लोजनेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि जो सीपीयू के सबसे पास होता है वो सबसे फास्ट होता है, वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो सबसे कम डेटा को स्टोर करता है। दोस्तों, अब लेवल 1 की बात करूं, तो लेवल 1 में क्या होता है कि ये जो आपकी कैश मेमोरी की चिप होती है, ये आपकी सीपीयू की चिप होती है, उसमें ही एम्बेडेड होती है, उसमें ही लगी होती है, और ये सबसे फास्ट होती है, और इसका साइज सबसे कम होता है। जनरली मैं बोलूं तो इसका साइज 64 KB तक का होता है,
है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस कैश मेमोरी की चिप में आप 64 KB तक का कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ पावरफुल सीपीयू आने लग गए हैं, उसमें इसका साइज 1 MB तक का हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं लेवल 2 के बारे में, जिसको L2 भी बोलते हैं। दोस्तों जो L2 होती है वो L1 के कंपैरिजन में स्लो होती है, और दोस्तों ये भी आपकी सीपीयू के चिप में ही एम्बेडेड होती है। लेकिन इसका जो साइज है वो L1 के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। इसका साइज जो जनरली होता है वो 64 KB से लेकर के 8 MB तक का होता है। लेकिन इसमें होता ये है कि जब भी सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन L1 में नहीं मिलता है तो वो L2 के पास जाता है और फिर वहां से वो इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है। अब दोस्तों CPU और कैश मेमोरी जो चिप होती है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसी एक चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड सिस्टम बस। तो ये सिस्टम बस क्या करती है, एक ट्रैफिक क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आपका डेटा कंटिन्यूसली सीपीयू के पास में जाता रहता है। दोस्तों बात करते हैं लेवल 3 के बारे में, जिसको बोलते हैं L3। दोस्तों L3 जो होती है, इसका साइज काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होता है L1 और L2 के कंपैरिजन में। लेकिन ये सबसे स्लोएस्ट होती है L1 और L2 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो। और इसका अगर मैं साइज आपको बोलता हूं, इसका साइज जो होता है वो 4 MB से लेकर के 50 MB तक का होता है। और ये जो चिप होती है ये आपके मदरबोर्ड में लगी होती है, ये आपकी सीपीयू में एम्बेडेड नहीं होती है। लेकिन अभी तो कुछ मॉडर्न कंप्यूटर्स आने लग गए हैं, उसमें इसको भी सीपीयू की चिप में एम्बेड करने लगे हैं। लेकिन मैक्सिमम आपको कंप्यूटर्स में ये जो चिप है ये मदरबोर्ड में लगी मिलती है, और इसीलिए ये स्लो होती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि कोई प्रोसेसर होता है, या तो वो डुअल कोर होता है, या फिर क्वाड कोर होता है, फिर ऑक्टा कोर होता है। दोस्तों हर कोर के लिए L1 और L2 अलग अलग होती है। लेकिन दोस्तों L3 के केस में ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोसेसर हो, चाहे वो डुअल कोर हो, क्वाड कोर हो, फिर ऑक्टा कोर हो, उसमें जितने भी कोर होती है वो सब L3 को शेयर करती है। दोस्तों ये सब तो बातें हो गई कैश मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने लेवल की होती है। अब अगर मैं इसको एक समराइज कर दूं और एक आपको एक लाइन में बताऊं, तो एक लाइन में इसका मतलब सिर्फ यही है कि जितनी ज्यादा आपकी कैश मेमोरी होगी उतनी ही ज्यादा आपके परफॉर्मेंस होगी, आपका सीपीयू उतना ही इफिशियंट होगा और उतना ही तेज आपका कंप्यूटर चलेगा। तो दोस्तों जब भी आपको एक नया कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आप वहां पे देख लीजिए कि उसकी जो कैश मेमोरी का साइज है वो कितना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसका कैश मेमोरी का साइज एटलीस्ट 8 MB होना चाहिए, तो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कैश मेमोरी से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी इसके बाद कोई भी डाउट आपका रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।